साथ मंत्रोच्चारण प्रारंभ करते हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव। योग कथा के 56 एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं को, आप सभी योग साधकों को, योग प्रेमियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक नमन, वंदन एवं अभिनंदन। एक राजा का अत्यंत विश्वसनीय और सबसे बड़ा वजीर की मौत हो जाती है। जैसे ही एक व्यक्ति मर जाता है या एक की मौत हो जाती है, उसके बाद दूसरे वजीर की नियुक्ति की प्रक्रिया चल पड़ती है। वैसे दुनिया में किसी की भी मौत हो जाती है तो लोग सदा उसे याद करके बैठे नहीं रहते, उसका विकल्प ढूंढने लगते हैं। यही स्थिति उस राज्य की भी होती है। बहुत सारे उपायों को अपनाया जाता है ताकि योग्य वजीर की नियुक्ति हो सके। कई तरह के रिटन एग्जाम, इंटरव्यू आदि से गुजरते गुजरते अंतिम में 3 व्यक्ति अंतिम परीक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन परीक्षा होने वाली थी तो अगले दिन ही 3 प्रत्याशियों को दरबार में बुलाया गया और दरबार के गेस्ट हाउस में ही ठहरने की व्यवस्था बना दी गई।
सब लोग सोच रहे थे कि कल क्या होगा, क्योंकि अंतिम परीक्षा स्वयं राजा ही लेने वाले थे। एक अफवाह फैला दी गई। दूसरे दिन राजा तीनों को एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे और उस कमरे में चार दरवाजे होंगे। तीनों दरवाजों में एक ही प्रकार के ताले को लटका दिया जाएगा, जो कि उस समय ताले की खोज अभी अभी हुई थी, यानी कि उस समय ताले जो बड़ा अद्भुत था उसका आविष्कार हो गया था और उसकी चर्चा बड़े जोरों पर थी। तो कहा गया कि तीनों दरवाजों में जो है ताले को लटका दिया जाएगा और उस अद्भुत ताले जो कि गणित के बड़े जटिल सूत्रों को लगाने पर ही खुल सकता था, और जो व्यक्ति गणित में जितना अधिक कुशल होगा वह ही उस ताले को खोल पाएगा, इस तरह की बातें बता दी गई थी। और जो चौथा दरवाजा था वह दरवाजा इसीलिए कि जिससे सबको अंदर प्रवेश करा करके फिर राजा उससे बाहर निकलता। और यह अफवाह भी फैली हुई थी कि तीनों में से जो ताले को खोल सकेगा उस व्यक्ति को ही वजीर के रूप में नियुक्ति कर दी जाएगी। जैसे ही ये बातें उन तीनों के कानों में पड़ जाती है, तीन में से दो बड़े बेचैन हो उठते हैं। अब वे ढेर सारे गणित की पुस्तकें इकट्ठे करने में लग जाते हैं, पुस्तकें इकट्ठी हो जाती है, पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जो तीसरा प्रत्याशी था वह चुपचाप लेट जाता है, वह किसी भी झंझट में नहीं पड़ता। लेकिन वे दोनों बड़े जो लंबे लंबे सूत्र सब कंठस्थ करने लगते हैं। उस समय बहुत सारे ऐसी पुस्तकें भी छपी हुई थी कि ताले को कैसे खोला जाएगा, ताले के ऊपर में अगर इस तरह का साइन हो तो क्या करना होगा, इस तरह का साइन हो तो क्या करना होगा। जैसे अभी भी कई लोग इंटरव्यू में जाने लगते हैं तो उससे पहले न जाने क्या क्या पढ़ने लगते हैं, क्या क्या पूछेंगे सबसे कि जो इंटरव्यू पैनल में बैठने वाले लोग होंगे वो कौन कौन होंगे, किस किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, अच्छा बहुधा किस तरह के प्रश्न पूछा करते हैं, आदि आदि। और मार्केट में भी ढेर सारे ऐसे पुस्तकें छपी हुई है कि कैसे जो है इंटरव्यू को पास करना है, किस तरह से बैठना होगा, जवाब देते वक्त क्या करना होगा, स्माइल करना होगा या नहीं करना होगा, आंखें कैसे नीचे झुका के रखनी होंगी या आंखों में आंख मिलाने होंगे, आदि आदि बातें लिखी हुई पुस्तकें मिलती है और सारे लोग उसे तरह की तैयारी में जुट जाते हैं, उन्हीं पुस्तकों को पढ़ने लग जाते हैं। तो मित्रों, तीन जो वजीर के प्रत्याशी थे, तीन में से दो लग जाते पूरी तरह से। और बार बार, क्योंकि कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो उन्हें याद ही नहीं रहता, तो बार बार प्रयास करते कि उस सूत्र को कैसे भी हो अपने स्मरण में रखा जाए। और फिर इतना ही नहीं, फिर छोटे छोटे पर्चियों में भी लिखने लग जाते हैं और
वो उन तरीकों को भी ढूंढने लग जाते हैं कि कैसे जो है पर्चियों को छुपा के रखा जाए, किस तरह से रखा जाए, क्योंकि लोग इतने तरह के तरकीब निकालते हैं, ऐसे ऐसे आइडिया निकालते हैं, ऐसे ऐसे खुराफाती कार्य करते हैं जिसे व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। एक क्योंकि जिस जो व्यक्ति जिस दिशा में अपने मस्तिष्क को लगा देता है वह उस दिशा की ओर ही बढ़ने लगता है। एक लड़का था, सामान्य परिवार से था, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं देखता था, मेरे पास में ये काम करता था, मैं देखता था कि जो है हर सप्ताह नए नए तरह के शर्ट पहन रहा है, नए नए वस्त्र को धारण कर रहा है, और ऐसे ब्रांडेड वस्त्र ले पहन करके आ जाता था। बड़ा आश्चर्य लगता था, जूते भी एकदम ब्रांडेड ले आएगा, पैंट वगैरह भी वो भी बड़े ब्रांडेड, जैकेट पहनेगा तो वो भी ब्रांडेड। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, जिसका ज्ञान मुझे है, इसके कमाई का कोई स्रोत भी नहीं, फिर भी इतने महंगे महंगे चीजें कैसे प्रयोग करता है, इसको देने वाले भी कोई नहीं। तो एक दिन मैंने उसको बिठा करके पूछा, उसे बता नहीं रहा था लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सका। जब उसे विश्वास हुआ कि मैं उसकी बातों को अपने तक ही रखूंगा, उसे विश्वास हुआ कि मैं उसकी बातों को अन्यथा नहीं लूंगा, और चूंकि उस समय तक उसके ज्ञान का स्तर भी काफी उन्नत हो चुका था, तो उसने मेरे को बता दिया। कहता है कि वह जैसे ही किसी शोरूम में जाता था तो करता क्या था कि जो सस्ता कपड़ा है एक वो ले लेता था, जैसे शॉर्ट जो सस्ते रुपए वाले हैं उसको ले लिया, और दूसरा बहुत जो ब्रांडेड शॉर्ट है वो ले लिया। और प्रत्येक शोरूम में एक चेंज रूम होता है, कपड़े जहां पर बदलते हैं, तो वो क्या करता था कि चेंज रूम में जाता था, और वहां पर क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते, तो वो क्या करता था कि एक का टैग निकाल करके दूसरे में लगा देता था, दूसरे का टैग पहले वाला। और क्योंकि जैसे कपड़े ले जाता था, काउंटर में जो व्यक्ति बैठा बैठा होता था तो वह टैग के आधार पर पैसे लेते थे। तो इस तरह से वह महंगे से महंगे वस्त्र को छल पूर्वक कपट पूर्वक चंद रुपए में लेकर के आता था। बाद में उसको बहुत समझाया गया, उसके परिणाम उसके सामने उपस्थित कर दिया गया, फिर धीरे धीरे वह उस रास्ते से पीछे हट गया और धीरे धीरे वह योग की राह पर चल पड़ा। ऐसे एक लड़का था, वह एग्जाम में, क्योंकि क्लास में तो कभी पढ़ता था नहीं, मास्टर डिग्री का लड़का, कभी क्लास में पढ़ता नहीं था, दिखाई देता था कि कोई विशेष उसकी रुचि भी नहीं थी, और अनियमित होता था कक्षा में भी। तो एक दिन, लेकिन आश्चर्य यह होता था कि जब भी उसका रिजल्ट आता था बड़े अच्छे नंबर लेके आता था, और सबको मिठाई भी बांटता था, बोलता था कि मेरे बड़े अच्छे नंबर आ गए, ले लीजिए। तो हम सबको आश्चर्य होता था कि आखिर नंबर कैसे प्राप्त कराए। तो क्या करता था कि एक बार वो पकड़ में आ गया तो वो जिस पद्धति को 5, 7, 8 वर्षों से लगातार अपनाता आ रहा था, वो पद्धति क्या है आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जैकेट, मोटे जैकेट पहनता था, और जैकेट के अंदर से एक हाथ को निकाल करके उस हाथ से नीचे मोबाइल को पकड़ लेता था, और जो मोटा जैकेट है उसको उसके बाहों को रख देता था उसमें टेबल के ऊपर, तो देखने वाले को
कक्षा पर्यवेक्षक को यह लगता था कि यह जो है इसका एक हाथ तो ऊपर में है क्योंकि नीचे तो कोई देखेगा नहीं, और उसका एक हाथ से लिखता जा रहा है और दूसरे हाथ से मोबाइल में जो भी सेव करके ले जाता था उसमें देख देख करके फटाफट फटाफट उतारता था। जब उसके मोबाइल का चिप ले लिया गया और उसके बाद पीछे क्योंकि सारे के सारे डेटा उसमें पड़े हुए थे, जब देखा गया तो पाया गया कि उसने जो है पीछे के सारे एग्जाम में यही धंधे किए थे, सब में यही तरकीब उसने अपनाए थे। फिर बाद में उसको भी धीरे धीरे सही राह पर ले आने के लिए प्रयास किया गया और फिर उसके जीवन की दिशा बदल गई। मैं बस यह बात आप लोगों के सम्मुख रख रहा था कि व्यक्ति किस तरह से बदमाशी करे किसी को भी पता नहीं होता, व्यक्ति पता नहीं क्या क्या तरकीब निकाल लेता है, दूसरे सोच भी नहीं पाता। जैसे कोई नया एक सॉफ्टवेयर बनता है विशेष करके सिक्योरिटी से रिलेटेड, और हम लोग उस सॉफ्टवेयर को लागू करते हैं, बाद में पता चल जाता है कि उसका भी तोड़ निकल गया। आज संसार के सबसे बड़ी समस्या, संसार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी का है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्राइम इतना बढ़ जाता है कुछ भी निकालो तुरंत लोग उसकी कॉपी कर देंगे, तुरंत कॉपी कर देंगे। कोई एक नई चीज बनाने में कितने समय लग जाते, कोई नई पुस्तक लिखने में कितना समय लग जाता है, लेकिन आज पुस्तक प्रकाशित हुई कल मार्केट में देखो पायरेटेड कॉपी है, क्या करेंगे। तो ये स्थिति क्यों? क्योंकि लोग अपने दिमाग को उसी दिशा की ओर लगा देते हैं। दिमाग को जिस दिशा की ओर हम लगा देते हैं उस दिशा की ओर ही वह ढेर सारी बातें इकट्ठे करने लगता है, उस दिशा की ओर ही तरह तरह के तरकीब दिमाग निकालने लगता है। इसलिए कहा गया है कि यू आर व्हाट यू थिंक, आप वही हो जैसा आप सोचते हो, या आप वही बन सकते हो जैसा आप सोचते हो। व्यक्ति का जो जीवन है जैसा भी दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा उसकी सोच का ही परिणाम है। यदि व्यक्ति अपने को कुरूप सोचेगा तो उसका जीवन भी कुरूप होने लग जाता है। व्यक्ति अपने को दिव्य सोचने लगेगा तो जीवन भी दिव्य होने लग जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक टेक्निक भी दिया है, कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपने गलत काम किया तो आपको अंदर बस उसी विचार को निरंतर चलाते नहीं रखना है, निरंतर आपको गिल्टी भाव में नहीं जीना है, निरंतर पश्चाताप में नहीं जीना है, आपको तुरंत क्या करना है, प्रायश्चित करना है। बहुत लंबा चौड़ा विधान किया गया है कि इस तरह के कर्म हो, इस कैटेगरी के कर्म हो तो क्या प्रायश्चित करना है, इसके ऊपर भी हम लोग योग कथा में बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यह जो प्रायश्चित विधान किया गया है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कि तू जान बूझ कर कोई गलती ना कर, अगर हो जाए तो पश्चाताप, नगर आप जो है प्रायश्चित करें, इसके लिए ऋषियों ने उसका विधान किया है। विशेष करके मनुस्मृति लगाए, जो अन्य स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि जितने भी स्मृति ग्रंथ है वो भी सैकड़ों की संख्या में है, उन स्मृति ग्रंथों के अंदर प्रायश्चित का बहुत व्यापक मात्रा में वर्णन मिलता है। ऐसे ही जैन परंपरा से संबद्ध साहित्य में भी प्रायश्चित का व्यापक विधान है, बौद्ध साहित्य में भी प्रायश्चित का विधान किया गया है। यानी कि प्रायश्चित करने से हम तुरंत उस भाव से उभर आ जाएंगे, हम कभी भी जो है एक हीनता बोध में, हम कभी भी अपराध बोध में नहीं जिएंगे। अपराध बोध से बाहर उठ निकलने का जो मार्ग है उसे बोलते हैं प्रायश्चित, प्रायश्चित इसको एग्जैक्ट शब्द बोलूं तो ऐसे ही मैं कह रहा था कि वो तीन में से दो व्यक्ति निरंतर वो ढूंढने लगते कि ताले को खोलने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तरह तरह के बुक्स छपे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे बुक्स भी छपे हैं कि चोरी करने के 101 उपाय, ऐसे ऐसे। तो मित्रों वो तीन में से दो व्यक्ति ताले को
कैसे खोला जा सकता है इसके ऊपर बहुत सारे अध्ययन करने लगते हैं, बहुत सारे पुस्तकों को जुटा लेते हैं और साथ में जो है अब कैसे हम उस चीज को छुपा करके अंदर ले जाए और कैसे प्रयोग करें उसके तरकीब ढूंढने लगते हैं और कुछ पर्चियां छोटी छोटी बना करके अपने अंडरवेयर के अंदर डाल लेते हैं, कोई कहीं रख लेते हैं, कुछ हाथ के अंदर लिख लिया, तरह तरह से कई लोग हाथ में इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं आदि आदि। तो वे लोग भी सब कुछ कर लेते हैं, जो कुछ भी तरकीब उन्हें पता चल जाता है सारे तरकीब अपना लेते हैं और उसके बाद बीच बीच में फिर हंसते भी रहते हैं कि जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो आराम से सोया हुआ था, उस व्यक्ति को देखकर उनको लगता था कि आज इसने कोई तैयारी नहीं की, इसका तो होना ही नहीं, कितना मूर्ख व्यक्ति है यह कि आज की रात जो है निर्णायक रात है, कल तो जो है परीक्षा होने, कल सो लेता आराम से परीक्षा के बाद, लेकिन ये अभी सोया हुआ है, इसको कोई चिंता नहीं है, ओम का उच्चारण भी कर रहा था पहले काफी बार देर तक, पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसा सोच करके जो है दोनों हंसते भी रहते हैं। सुबह हो जाता है तो तीनों चले जाते हैं निर्धारित समय पर दरबार के अंदर और जो अफवाहें उन लोगों ने सुनी थी वो वास्तव में ही सत्य थी। राजा तीनों को एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और तीनों के सामने एक एक दरवाजे दिखा देते हैं और कहते हैं कि इस तीनों दरवाजे में समान ताला लटका हुआ है, एक जैसा ही ताला है, तो आप लोगों को इस ताले को खोलना है, जो है अपने ताले को जितने जल्दी खोलेगा वह व्यक्ति वजीर के रूप में नियुक्त होगा, ऐसा राजा बताते हैं। फिर उसके बाद जो एक चौथा दरवाजा था उससे राजा निकल करके बाहर आते हैं। मित्रों जैसे ही राजा बाहर निकलते हैं दोनों लग जाते हैं पूरी तरह से, एक कोई कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस पसीने पसीने हो चुके होते हैं, उसके बावजूद भी दोनों लगे रहते। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था जिसने रात को भी अच्छी नींद ले ली थी, वह व्यक्ति पहले ओम का उच्चारण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है और उसके बाद वह चुपचाप खड़े हो जाता है और जैसे दरवाजे के सामने जाता है और वैसे ही वह उसको थोड़ा सा घुमाता है कुंडी को, ताले को ऐसे देख लेता है, ताले को खींच लेता है तो खुला होता है ताला, बाहर निकल जाता है। लेकिन वो दोनों इतने तल्लीन थे, दोनों इस तरह से लगे हुए थे कि दोनों ताले नहीं खुल पाते, तरह तरह के फॉर्मूले लगाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं और बार बार जो पर्चे और जो पुस्तक के पन्ने साथ में ले गए थे उसका भी इस्तेमाल करते, उसके बावजूद भी वे ताले नहीं खुल पाते। उनको यह भी खबर नहीं रहती कि जो तीसरा व्यक्ति वह निकल चुका है, वह वजीर के रूप में नियुक्त हो चुका है, यह भी उनको पता नहीं होता है। और जैसे ही एक आध घंटा निकल जाता है और तब भी वो दोनों नहीं बाहर आते तो राजा फिर अंदर जाते हैं और कहते हैं महानुभावो अब यह गणित बंद करो, जिसे निकलना था वह निकल चुका है। राजा कहते हैं कि जो ताले खोलने के लिए तुम लोग प्रयास कर रहे हो उसमें कोई लॉक किया ही नहीं है। देखो ऐसा करके राजा अचानक उसको खोल करके दिखा देते हैं तो बस दोनों अपनी गलतियों पर हंसते हैं, दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। मित्रों ऐसे ही कई लोग ईश्वर को पाने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, न जाने कितने लंबी लंबी यात्रा कर रहा है। पूछेंगे क्यों कर रहे हो, कहेंगे कि ईश्वर को पाना है, लेकिन
लेकिन उनको इसका ज्ञान ही नहीं होता कि ईश्वर तो सर्वत्र है, कोई ऐसा कण नहीं है जहां ईश्वर ना हो, और जहां कण ना हो वहां भी ईश्वर है, ईश्वर सर्वत्र है, इस चीज का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। ईश्वर का द्वार है चारों ओर, ईश्वर के द्वार ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, चारों ओर बस ईश्वर का द्वार खुला पड़ा है। कुंडी जैसा लगता है लेकिन कुंडी नहीं, आप चाहो तो कभी भी उस द्वार के अंदर प्रवेश कर सकते हो। ताला लटका हुआ जैसा लगता है, क्योंकि अफवाह ऐसी फैली हुई है कि बड़े बड़े ताले लटके हैं, अफवाह ऐसी फैली हुई है कि ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए आपको ये न जाने क्या क्या कठोर से कठोर व्रत करने होंगे, कठोर से कठोर तपस्या करने होंगे, इसके लिए आपको जो है सिर के बल चलना होगा, आपको जो है पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनने होंगे, और इसके लिए आपको जो है वस्त्र आदि भी गर्मी के मौसम में ढेर सारे वस्त्र डालते जाओ, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल डाल करके चलो, या सर्दी के मौसम में नंगे चलो, ऐसा करना होगा, जब कठोर तप करोगे तब जाकर के ईश्वर मिलेगा, इस तरह की अफवाहें लोग फैलाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग कहते हैं कि फला मंदिर में जाओगे, फला मस्जिद में जाओगे, फला गुरुद्वारे में जाओगे, फला चर्च में जाओगे तो ईश्वर की अनुभूति होगी, ऐसा ऐसा करके अफवाहें फैला देते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों के सम्मुख यह भी रखना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति जहां भी जाता हो, जाने के बाद ईश्वर उसको पुनः प्रेरणा देता है कि जो जिसे तू ढूंढ रहा है वह यह नहीं है, आंखें बंद कर। इसलिए हर व्यक्ति चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे गुरुद्वार में जाए, चाहे कहीं भी जाए, पहुंचने के बाद बहुत लंबी यात्रा करके जाता है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने इष्ट से मिलने के लिए, लेकिन जैसे पहुंचेगा आंखें बंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ईश्वर प्रेरणा दे रहा होता है, बस उस पल के लिए सही वह ईश्वर की प्रेरणा को सुन लेता है और आंखें बंद कर लेता है। कहने का आशय यह है कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर चारों ओर है, कोई ऐसी दिशा नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा कण नहीं जहां पर ईश्वर ना हो। ईश्वर का द्वार सबके लिए सदा खुला हुआ है, 24 घंटे उसका द्वार खुला पड़ा है। लेकिन जब हम लोग अफवाहों के चक्कर में पड़ते हैं और उस चक्कर में पड़ करके कोई किसी पाठ में लगा हुआ है, कोई किसी चक्कर में लगा हुआ है, कोई किसी चीज के, जब तरह तरह के जो आप लोग जानते हैं, और कभी ईश्वर की अनुभूति नहीं हो पाती। ईश्वर की अनुभूति के लिए बस आपको इतना ही जानना है कि ईश्वर सर्वत्र है, मैं ईश्वर में ही हूं, जल के अंदर मछली की तरह, हवा में पक्षी की तरह, बस मैं ईश्वर में ही हूं, आपको ऐसा अनुभव करना है, ऐसा भाव बनाना है। जिस दिन आप इस भाव में स्थित होंगे उस दिन आपको ईश्वर की अनुभूति आसानी से हो जाती है। और हमारी परंपरा में आचार्य यही बात अपने शिष्यों को समझाता है। आचार्य शिष्य को कोई बहुत जटिल जटिल ग्रंथ पढ़ाने की ओर कभी भी नहीं लगता आचार्य। हाँ, वह वेद, उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथों का अध्यापन अवश्यमेव करता है, लेकिन वह उससे पहले अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को ईश्वर की यह जो खुली पुस्तक है सृष्टि, इसका अवलोकन करने के लिए लगाता है, दिखाता है वह चारों ओर। और जैसे वह उस बात को समझ पाते हैं, उस रहस्य को जैसे उन्हें बोध हो जाता है, वैसे ही फिर आचार्य कहता है कि देखो यही बात तो शास्त्र के अंदर भी लिखा हुआ है, यही बात तो ईश्वर ने अपनी बंद पुस्तक वेदों के अंदर बताई गई है, फिर वेद को दिखा देगा, फिर दर्शनों को दिखा देगा। तो इस तरह से हम ऋषियों की परंपरा के अंदर जो आचार्य की परंपरा चलती आ रही है उसमें पढ़ने पढ़ाने का विधान है, लेकिन वर्तमान में ऐसा व्यक्ति को निरंतर जो है पुस्तकों को रटने के लिए लगाया जाता है, व्यक्ति को निरंतर
बड़ी बड़ी बातों को कंठस्थ करने के लिए लगाया जाता है, बस वो उसी चीज में लगा रहेगा, उसी चीज में फंसा रहेगा, और उसको कभी भी सृष्टि को नहीं दिखाया जाएगा, ईश्वर की खुली पुस्तक को कभी भी नहीं दिखाया जाएगा, और इसका अवलोकन करने के लिए कभी भी नहीं लगाया जाएगा। और जो भी वो पढ़ रहा है उसका और बाह्य जगत का क्या संबंध है, इस संबंध को कभी भी व्यवहारिक स्तर पर कभी भी नहीं बताया जाता है। इसीलिए व्यक्ति फेल हो जाता है, व्यक्ति बहुत सारे डिग्रियां लेकर के भी नौकरी ढूंढने के लिए बस इधर से उधर भटकता रहता है। मैनेजमेंट की डिग्री लेते हैं लोग, तरह तरह की डिग्रियां, फिर उसके बाद अपने जीवन को मैनेज नहीं कर पाते। लोग जो है बड़े बड़े बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, फिर वो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए भटकने लग जाते हैं, नौकरी की तलाश में ही उनकी जिंदगी निकल जाती है। क्यों ऐसा? इसलिए कि उनको शाब्दिक जानकारियां तो दी जाती है, लेकिन उन्हें व्यवहारिक स्तर पर ज्ञान नहीं दिया जाता, जो देना चाहिए वह उनको कभी नहीं दिया जाता। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, एक व्यक्ति मैथमेटिक्स में पीएचडी करके अपने गांव चला जाता है, और जैसे वह गांव में जाता है तो सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, और पूरा गांव एकत्रित होकर के उसके स्वागत के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करता है, और उसे बीच में वह सारी बातें बताता है, उसने कैसे कैसे मेहनत की, किस तरह से पढ़ाई की, और उसने कितने बड़ी खोज की, सारी बातें बताने लगता है। अब गांव के लोग उस बातें समझ में तो आती नहीं, क्योंकि वो अपनी भाषा में बताता जा रहा है, फिर भी लोग सुन रहे थे। तो उतने में गांव का एक जो प्रधान, वह पूछता है कि बेटा हमें बहुत खुशी है कि तुमने जो है गणित विषय में विशेषज्ञता हासिल की, लेकिन मेरा एक सवाल है, बस इस सवाल का जवाब तुम दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम गणित के विशेषज्ञ हो, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि वह व्यक्ति गांव में काफी प्रतिष्ठित भी था और काफी विवेकी भी माना जाता था, काफी अच्छे सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति माना जाता था, इसका ज्ञान उस विशेषज्ञ को भी था, तो वो भी एकदम सावधान होता है। वे कहते हैं कि बस मेरे एक ही प्रश्न है, आप ये बता दो एक और एक को जोड़ने से कितना हो जाता है, मतलब 1+1=2 कितना, एक और एक को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। अब वह व्यक्ति सोचने लगता है, पहले सोचता रहता है आधे घंटे तक, एक घंटे तक वह एकदम शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, और अंत में उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि आप ही बता दीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे लगता था कि मैं गणित का विशेषज्ञ हूं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि नहीं, आप बता दीजिए सही उत्तर, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो उसके बाद वह कहता है कि बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक और एक को जोड़ने से दो हो जाता है। सारे लोग चौंक जाते, गांव के लोग, कि अरे ये तो हम सबको भी पता है, ये क्यों नहीं बता रहा है। उसके बाद वह कहता है कि नहीं, ये तो मुझे भी पता था, लेकिन मैं क्या करता रहा कि नहीं, मैंने कई बार अपने अंदर ही अंदर उसको जोड़ करके देखा, मैंने तरह तरह के फॉर्मूले लगाए, लेकिन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक और एक जोड़ने से दो ही आ रहा था। मेरे को लगा कि इतना सामान्य सा सवाल तो आप पूछ ही नहीं सकते, इसका उत्तर दो तो हो ही नहीं सकता, अपने बेइज्जती क्यों मैं कराऊं, ये सोच करके मैं चुपचाप बैठ गया था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था, ये तो मुझे पता था। तो वह बुजुर्ग बताते हैं कि देखो बेटा, बस मैं यही जानना चाहता था कि क्या तुम्हें अपने ज्ञान पर, क्या तुम्हें अपनी विद्वता पर भरोसा है या नहीं, जो तुम जानते हो उस पर तुम्हें यकीन है या नहीं, बस मैं इतना ही जानना चाहता था। फिर उसने आगे कहा
कि तुम्हें बस उसी बात पर गर्व करना है जिसे तुम जानते हो। आज लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, ईश्वर के विषय में भी बहुत सारी बातें बताएंगे, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में बहुत सारी बातें कहेंगे, प्रकृति के विषय में बहुत सारी बातें कहेंगे, तरह तरह के शास्त्रों के प्रमाण भी देंगे, लेकिन जिस चीज में खुद को विश्वास नहीं है, विश्वास तभी उत्पन्न होता है जब हम अनुभव के स्तर से गुजरते हैं, जब हमें उस चीज का अनुभव होता है। लेकिन जब तक अनुभव ना हो तब तक हमें उस बात पर विश्वास नहीं जगता, और जब तक विश्वास न जगे तब तक वह ज्ञान नहीं कहलाएगा, वह मात्र जानकारी कहलाती है। तो मित्रों, गुरुकुलीय परंपरा में, ऋषिकुलीय परंपरा में आचार्य सदा अपने शिष्यों को इसी प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान दिया करता है। आचार्य केवल उन्हीं ग्रंथों का अध्यापन करता है जो ग्रंथ सत्य सिद्धांतों के ऊपर आधारित हो, जो ग्रंथ सृष्टि के नियमों के अनुकूल हो, जो ग्रंथ पूर्णतः व्यवहारिक हो। आजकल तो लोगों ने दर्शन शब्द को भी फिलॉसफी बना दी। बोलते कोई व्यक्ति कुछ बातें करने लगेगा तो बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपको आप ज्यादा दर्शन मत छांटिए, ज्यादा दर्शन मत। अरे भाई, दर्शन का मतलब केवल जानकारी नहीं, केवल शब्द नहीं है, कोई ऐसी बातें दर्शन के अंदर नहीं है जो व्यवहारिक ना हो। दर्शन कहते ही उसको है जिसमें सिद्धांत पक्ष भी हो और उस सिद्धांत पक्ष को समझने के टेक्निक भी हो। दर्शन फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी मात्र एक चिंतन है, एक विचार है। व्यक्ति के मन में जो विचार आए उसने उस बात को रखे और विचार बदल भी सकता है, लेकिन दर्शन वह शाश्वत सिद्धांत, वह उसको समझने की, उसको जानने की, उसे बोध करने की, उसे प्रत्यक्ष करने की पद्धति से युक्त विधा का नाम है। तो आचार्य उन्हीं ग्रंथों का अध्यापन करता है जिसमें सिद्धांत भी हो और उसका प्रयोग भी हो। वैसे तो यह जो सृष्टि है, सृष्टि ईश्वर के द्वारा जो भी वेदों में बताए गए ज्ञान है उसका ही प्रायोगिक रूप है। जब हम सृष्टि को देखते हैं तो वही बात हमें समझ में आती है जो बात वेदों के अंदर बताई गई हो, वही बात हमें समझ में आ जाती है जो उपनिषद और दर्शनों के अंदर बताई गई हो। उधर कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, उधर कहा जाता है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, और इधर दिखाई देता है कि आप आम के बीज को बोगे तो आम का पेड़ बनेगा, संतरे के बीज को बोगे तो उस पेड़ पे संतरे ही फलेंगे, और यदि आप नीम के पेड़ लगाओगे, नीम का बीज बोगे तो उसमें निम्बुली भी ही लगेंगे, उसमें संतरे नहीं लगेंगे। इधर जो बातें कही, इधर जो है वही बातें देखने को मिल जाती है। ये है हमारे ऋषियों की पद्धति, ये है हमारे ऋषियों की परंपरा की खूबसूरती, ये है हमारे आचार्यों के जो शिक्षण पद्धति। यहां पर कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जो शिक्षा केवल शब्द पर आधारित हो। ऐसा कोई भी विषय, ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं उठाया जाता जिसका कोई औचित्य न हो, जिसको अपने जीवन में उतारना मुश्किल हो। ऐसा कभी भी आचार्य शिक्षा नहीं देते। तो मित्रों, यदि आप भी सृष्टि के नियमों को समझना चाहते हैं, यदि आप भी सृष्टि के सिद्धांत को समझना चाहते हैं, सत्य सिद्धांत को समझना चाहते हैं, तो आपको वेदों की ओर लौटना होगा, आपको उपनिषद दर्शन आदि की ओर लौटना होगा, इन्हें अध्ययन करना होगा। फिर आप पाएंगे कि जो बातें
बताई जा रही है वो कितना सार्थक है, कितने सत्य है। इधर कहेंगे कि आप दान दे दो, आप जो है शतस्तंभ समाहार शस्त्र शमशान की राह। इधर बताया जाता है कि आपके पास जो है उसको छोड़ो, और इधर सृष्टि में हम देखते हैं एक मुट्ठी गेहूं के दाने को डाल देंगे तो उससे कितने केजी गेहूं उत्पन्न हो जाते हैं। एक खूबसूरती है आचार्यों की परंपरा की। तो जब ऐसे आचार्य का हमें सानिध्य मिल जाता है, जब ऐसे आचार्य के साथ हम रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में भी उस आचार्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें यह जानकारी मिल जाती है कि वह जैसा कहता है वैसा ही जीता है, जो भी बातें वो कह रहा है सारे के सारे पूर्णतः सत्य है, कोई भी बात सृष्टि नियमों के विरुद्ध है ही नहीं, एक भी ऐसा शब्द का उच्चारण आचार्य नहीं कर रहा है जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हो। तो जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है तो उसके प्रति हमारे मन में एक अमिट छवि बन जाती है, कभी भी न मिटने वाली छवि हमारे मन में स्थित होती है। एक अनुसंधान का सार भी आप सुन लीजिए कि हमारा जो जीवन है वह करीब करीब 30 लोगों के आधार पर चल रहा होता है। क्या कहा है? हमारा जीवन करीब करीब 30 लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम जो जिस तरह से हंसते हैं, जिस तरह से हम खांसते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम चलते हैं, जिस तरह से हम पढ़ते पढ़ाते हैं, इस सब कुछ उन्हीं 30 लोगों के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारे अंदर जो बैठे हुए 30 लोग हैं यदि वो सही हैं तो हमारा जीवन भी बहुत ऊंचा होगा, बहुत महान होगा। लेकिन यदि वो 30 लोग गड़बड़ हैं तो उस अवस्था में हमारा जीवन भी क्षीणहीन होने लगता है। आप अपने ऊपर गौर करके देखिए, आप पाएंगे कि आप किस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, किसी की बातों के लिए आपको प्रतिक्रिया देनी है तो आप किस तरह से देते हैं, आपकी प्रतिक्रियात्मक शैली, अपने बातों को रखने की शैली, आपको अपने इवन अपने हाथों को हिलाने की शैली, ये सब कुछ आपके मस्तिष्क में या आपके मन में आपके चित्त में बैठे हुए जो 30 लोग हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। वस्तुतः व्यक्ति वही करता है जैसा वह सोचता है, जैसा चाहता है वैसा नहीं करता, या जैसा वैसा नहीं करता जैसा उसने अंदर बिठा रखा है। कि यदि उसने ये बात बिठा रखी हो कि नहीं देखो मेरे पिताजी भी ऐसा कहते थे कि घर पे जैसे कोई आ जाए दूर से देखेंगे तो बोलते थे मेरे को कि बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूं, तो अब मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, कोई व्यक्ति आ जाए तो मैं भी यही बोल दूं कि नहीं हूं मैं घर पे। क्यों? क्योंकि उसने देख रखा है ना। व्यक्ति वही करता है जैसा उसने देखा होता है, जैसा उसने सुना होता है, और जिस बात के ऊपर उसे पूर्णतः भरोसा होता है। और जितना देखने से जो बात मस्तिष्क में बैठ जाती है उतना सुनने से नहीं बैठ पाती, देखने से छवि बन जाती है और वह छवि उसी तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी करती है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, आपके जो एप्पल कंपनी के मालिक उसके संस्थापक स्टीव जॉब्स के विषय में। स्टीव जॉब्स प्रत्येक सप्ताह अपने कर्मचारियों को लेकर के
बड़ी से बड़ी दुकान पे चले जाते थे जहां पर एकदम क्रिएटिव आइटम्स मिलते हो, जहां पर द बेस्ट चीजें देखने को मिलती हो, और सबको बोलते थे कि देखो कैसे कैसे चीजें हैं, और उसकी खूबसूरती को समझने के लिए बोलते थे, और उनको ऑफिस लौटने के बाद कहते थे कि आपने आज जो चीजें देखी उसकी खूबसूरती बताओ क्या है, लोग बताते थे, फिर उसके बाद कहते थे कि उसमें क्या कमी आपको नजर आती है वो बताओ, फिर लोग वो भी बताते थे, फिर कहते थे कि अब आपको उस तरह की खूबसूरती से भी और बेहतरीन खूबसूरती ले आनी है, और जो कमी उसमें है उस तरह की कमी अपने प्रोडक्ट में आने नहीं देनी है। तो लोग पूरे लगते थे, और एप्पल के जो भी चीजें आज भी उपलब्ध है लैपटॉप से लेकर के, और जो भी चीजें जैसे उस समय उसको प्रसिद्धि मिली थी आज भी उतनी प्रसिद्धि मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी शैली ही ऐसी है, पहले द बेस्ट देखो फिर उसके बाद उससे भी बेस्ट बनाने को सोचो। और हमारे आचार्य की परंपरा में ऐसा ही हुआ करता था, आचार्य द बेस्ट दिखाता था। द बेस्ट क्या है? सृष्टि, सृष्टि को दिखाता था, सृष्टि को दिखाते हुए इसकी खूबसूरती को जलाने का, खूबसूरती का बोध कराने का प्रयास करता था। शिष्य देखता जाता था, वो दिखा रहा है उधर, क्या दिखा रहा है? एक बेल में, पतला सा बेल, लेकिन उसमें लटका हुआ है क्या? कद्दू। एक पतला सा बेल, उसमें लटका हुआ है क्या? लौकी, तरबूज, खीरे, उन चीजों को दिखाता था। बोलता था कि क्या ऐसे तुम बना सकते हो? फिर शिष्य बोलते थे नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे बनाएंगे? फिर पेड़ पे दिखाता था, ढेर सारे फल लगे हुए, और एक एक टहनियों में न जाने कितने फल लटके हुए होते थे। तो बोलता था कि क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं। तो क्या कोई मनुष्य कर सकता है? फल को तोड़ दिया, एक फल को तोड़ दिया, या एक पत्ते निकाल लिया पेड़ से, फिर बोला कि चलो इस पत्ते को लगा करके देखो। नहीं। अच्छा, किसी लकड़ी को दे दिया, फिर बोला कि उसमें से पत्ते उगा करके देखो। नहीं। फिर वो कहता था कि देखो ये सारा कौन करता है? कोई इंसान कर पाता? नहीं। तो जो करता है उसी को ईश्वर कहते हैं। तो व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न होता था। उससे बढ़कर महान उसे कोई भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि इतना महान जो इतने अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है, कितने रंग डाले हैं उसने फूलों में, तरह तरह के रंग। गुरु आचार्य देता था बहुत सारे रंग को, और बोलता था कि आप भी इस तरह के रंग को मिलाओ। लोग लगते थे और करते करते कुछ तो रंग क्रिएट करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे रंग जिसको क्रिएट ही नहीं कर पाते थे। आज भी धरती में ऐसे ढेर सारे रंग है जिसको आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतने डेवलप हो चुका है, उसके बावजूद भी उस तरह के रंग खोज नहीं पाए, उस तरह के रंग विकसित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर से बढ़कर सर्जक कौन हो सकता है? ईश्वर से बढ़कर आर्टिस्ट कौन हो सकता है? ईश्वर से बढ़कर कृषक कौन हो सकता है? ईश्वर से बढ़कर शक्तिशाली और कौन हो सकता है? इस तरह से शिष्य के मन में ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण का भाव चल जाता था, और रोज संध्या कर रहा है, हवन कर रहा है, यानी कि अग्निहोत्र कर रहा है, देव यज्ञ कर रहा है, ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, उससे भी यही चिंतन निरंतर चलता था। चिंतन कहते स्मरण को, चित स्मृत्या, स्मरण करने को, निरंतर वही स्मरण कर रहा होता था कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर की महत्ता, और वही चीज जब बाहर देखता था कि वही है, तब एक ही चारा रहता था कि बस उसके प्रति समर्पित हो जाओ,
और कोई भी उपाय नहीं रहता था। तो इतनी अच्छी जो परंपरा थी हमारे यहाँ, वह केवल ऋषियों की परंपरा थी, वह आचार्यों की परंपरा थी। कैसे भी ईश्वर के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को झुका देना, ईश्वर के प्रति आकृष्ट करना, उसको कैसे भी ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने के टेक्निक को सिखा देना। बहुत सारे जो लोगों को लगता भी होगा कि अलग अलग पेड़ पौधों के जो औषधि गुणों का पता कैसे चला, इस प्रसंग में कहा जाता है कि प्राचीन समय में आचार्य क्या करता था, बहुत सारे बकरियों को ले लिया और साथ में शिष्यों को भी लेकर के चले गए, पहाड़ों में ले चले गए, फिर बकरियों को छोड़ दिया जाता था और यह देखने के लिए कहा जाता था कि बकरी कौन कौन से पेड़ पौधों के पत्तों को खा रही है, कौन सा घास खा रही है, उसको देखो और किसको छोड़ रही है। जिस जिसको छोड़ती जा रही वो सारे के सारे विष है, और जिस जिसको खाती जा रही, जिस जिसको चखती जा रही है तो वह औषधि है। बस उन पौधों को फिर इकट्ठा किया जाता था, फिर उन पौधों के प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार ज्ञान शिष्य को दे दिया जाता था, यानी कि जो व्यवहारिक रूप में ही पूरी तरह से ज्ञान देता हो उसको आचार्य कहते थे। आचार्य जीवन से ज्ञान देता था, आचार्य सृष्टि से ज्ञान देता था, आचार्य अंदर थोपने का काम नहीं करता था, आचार्य बोध कराने का काम करता था, उसके लिए सहायक हो जाता था। पहले सारी चीजों को दिखा दिया और बोध उसे होने के लिए दे दिया। ऐसे ही एक प्रसंग मुझे और याद आ रहा है। शिष्य से पूछने लगता है, आप लोग बताइए कौन से ऐसे जगह है जहां ईश्वर नहीं है। तो लोग कहते हैं कि कोई शिष्य कहता है कि यहां नहीं है, दूसरा शिष्य कहता है यहां नहीं है, तीसरा कहता है यहां नहीं है, चौथा कहता है यहां नहीं, फिर दूसरा, फिर शिष्य कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अगला शिष्य कहता है नहीं है तो यहां पर ईश्वर, क्या प्रमाण है। फिर वह कुछ प्रमाण देता था कि हाँ यहां पर भी सूरज की किरणें हैं, यहां पर भी प्रकाश है, इसका मतलब यहां भी ईश्वर है। जहां कहीं पर भी ईश्वर की पहुंच है, जहां कहीं पर भी उसकी रचना बिखरी हुई है, जहां कहीं पर भी उसकी सृष्टि का विस्तार है, वहां तो ईश्वर है ही। फिर सब समझ जाते थे कि हाँ ईश्वर सर्वत्र है। ऐसे एक बार कहते हैं कि एक संत ने एक व्यक्ति को बोला कि जाओ तुम उस स्थान की खोजी करना जहां पर कोई भी व्यक्ति न पहुंच पाता हो। जाओ तुम कोई ऐसे स्थान की खोजी करना जहां जहां ईश्वर ना हो। व्यक्ति गया, देखने लगा, वो जहां भी गया, जहां भी पहुंचा तो वो तो पहुंच गया ना, इंसान तो पहुंच गया। फिर बाद में लौट करके कहता है कि गुरुदेव कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर ईश्वर ना हो, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ईश्वर ना हो। तो मित्रों इस तरह से
शिक्षा दीक्षा देने की हमारी परंपरा रही है, और जैसे जैसे आचार्यों की जो परंपरा है उसमें राश आने लगी, जैसे जैसे आचार्यों की परंपरा कमजोर होने लगी, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ने लग गई, वैसे वैसे समाज में तरह तरह की विकृतियां फैलने लग गई। आचार्य के विषय में मनुस्मृति में कहा है, इसके द्वितीय अध्याय के 140वें श्लोक में, उपनीय तु यह शिष्यम वेद मध्यापय द्विजः सकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। अर्थात जो गुरु शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करा के, हमारे यहाँ षोडश संस्कार का प्रचलन था। कितने संस्कार? षोडश, 16 प्रकार के संस्कार ऋषियों ने प्रचलन में ले आए थे। कौन कौन से 16 संस्कार? गर्भाधान संस्कार, कुंचवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, फिर ऐसे चुड़ाकर्म या मुंडन संस्कार भी कहते हैं, फिर कर्णवेद संस्कार, फिर उपनयन संस्कार। यह संस्कार जो है जनेऊ संस्कार भी कहलाता है आज के, है ना। इसी को कई जगहों पर व्रत बंध भी कहते हैं। ऐसे ही फिर वेदारंभ संस्कार, फिर समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंतिम में अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार 16 संस्कारों को कराते हुए 16 संस्कारों से व्यक्ति को सुसंस्कृत किया जाता था, व्यक्ति के जीवन को मुक्ति की ओर उन्मुख किया जाता था। इन संस्कारों के द्वारा भी व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी दोष है उन दोषों को हटाते हटाते उसको ऊपर उठाया जाता था और व्यक्ति को पूरी तरह से ईश्वर से जोड़ दिया जाता था। इतनी पावनी परंपरा हमारी थी। तो महर्षि मनु कहते हैं कि जो गुरु शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार, इसी को उपनयन संस्कार कहते हैं, जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, यह करा के कल्प सूत्र अर्थात आचार एवं कला ज्ञान सहित और रहस्य कहते हैं वेदों में निहित गंभीर सत्य विद्याओं के उद्घाटन सहित अर्थात निहित गूढ़ तत्वों की व्याख्या सहित वेद को पढ़ावे उसको आचार्य कहते हैं। अर्थात आचार्य उसको कहना चाहिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कला से पढ़ावे। यह महर्षि दयानंद के द्वारा किया गया अर्थ है, यानी कि गुरु तभी कहलाएगा जब वह वेदों को पढ़ाता हो, गुरु तभी कहलाएगा जब वह सांगो पांग वेदों को पढ़ा करके विद्वान तैयार कर लेता हो, और यदि कोई किसी को विद्वान न बना पाता हो तो वह आचार्य नहीं कहलाता। जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा पूर्वक विद्या देने के लिए तन मन और धन से प्रयत्न करे उसे आचार्य कहते हैं, है ना। और जो गुरु एक आया हुआ है उसमें भी कुलाड़ब तंत्र में भी आया हुआ है, शिष्य को वही आचार्यवान नहीं बनाता, वह आचार्यवान ही नहीं बनाता अपितु स्वयं भी वैसा आचरण करता है और संसार में शास्त्रों के अर्थों को चुनकर वह उनका भावार्थ स्पष्ट करता है, अतः उसे आचार्य कहते हैं। स्वयं आचार्यते शिष्य नाचार्य स्थापयत्यपि आचिनोतीह शास्त्रार्थान आचार्यस्तेन कथ्यते। ऐसे ही याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी आया है कि उपनीय ददद वेद आचार्य स उदारितः, केवल उपनयन संस्कार करके वेद का ज्ञान देने वाले को आचार्य कहते हैं। आचार्य उपनयन दूसरा नयन देता है, ज्ञान चक्षु दे देता है, आचार्य व्यक्ति को वेदज्ञ बनाता है, आचार्य स्वयं भी वेदज्ञ होता है और शिष्य को भी वेदज्ञ बनाता है। आप लोग यह भी समझ चुके हैं कि धरती पर एकमात्र ऐसी सत्ता जिसको आचार्य कहते हैं
उसमें ही वह शक्ति होती है कि वह दूसरे को भी आचार्य बनाए। अनाचार्य कभी किसी को आचार्य नहीं बना सकता, और आचार्य व्यक्ति को और कुछ नहीं बनाएगा, आचार्य व्यक्ति को आचार्य ही बना देता है, वह आचार सिखाता है। तो आपको लग रहा होगा कि आचार क्या है? आचार कहते हैं धर्मानुष्ठान को, उचित व्यवहार को, चाल चलन को। चर गति भक्षणयो धातु में जब घे प्रत्यय होता है तो फिर आचार शब्द बनता है। आचरणम धर्मानुष्ठानम आचारः, अर्थात श्रेष्ठ आचरण, प्रशंसनीय कर्म, स्वाभिमान, इसको ही आचार कहते हैं। तो आचार्य, वैसे तो ईश्वर को भी आचार्य कहा गया है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में, लेकिन आप लोग यह बात समझ चुके हैं कि क्यों आचार्य को गुरु भी कहते हैं और आचार्य को शिक्षक भी कहते हैं, लेकिन गुरु ईश्वर भी है और सभी शिक्षक आचार्य नहीं होते। यह भी बात आप लोग समझ चुके हैं योग कथा के पिछले एपिसोड में। तो मित्रों, कि आचार्य वह होता है जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापन करता है और सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करने के लिए सिखाता है, जो स्वयं अनुभवात्मक सामर्थ्य से युक्त हो उसे आचार्य कहते हैं। योग सूत्र के व्यास भाष्य पर बहुत सुंदर व्याख्या है जिसे तत्व विशारद कहते हैं, वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित है, उस पर पातंजल रहस्यम करके एक टीका लिखा गया है। उस टीका में आया है आचार्य अनुभविता, आचार्य वही होता है जो अनुभवात्मक सामर्थ्य से युक्त हो। ऐसे ही पुराण में भी, मत्स्य पुराण में आया हुआ है, वृद्धा शालोलो पाशैव आत्ममंतो यदाम्बिका, अर्थात अवस्था में वृद्ध, लोभ से रहित, आत्मज्ञान वाले, दंभ पाखंड से रहित, सम्यक नीति वाले और सरल चित्तजन आचार्य कहलाते हैं। यहाँ पर जो अवस्था में वृद्ध की जो बात है, ज्ञान वृद्ध से बात है ना। एक तो व्यक्ति होता है वयस वृद्ध, आचार्य बनने के लिए वयस वृद्ध हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्ञान से वृद्ध होना बहुत आवश्यक है, ज्ञान वृद्ध होना अत्यावश्यक है, ऐसा ऋषियों का भी मानना है। ऐसे ही महाभारत में भी आया हुआ है, आचार्य वैकारुणिकाः प्राज्ञास चापाय दर्शिनः नैते महाभये प्राप्ते संप्रष्टव्याः कथं चरः, अर्थात जो दयावान पंडित और धर्मदर्शी हो वे ही आचार्य कहलाते हैं। और बाकी और कई ग्रंथों में आप लोगों ने इसको समझ लिया। और मैं कह रहा था कि जो आचार्य होता है वह शिष्य का पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, कि संस्कार के विषय में हम लोग एक अलग से एपिसोड करेंगे जिसमें इसका पूरा डिटेल में वर्णन करेंगे। अभी इतना ही समझना है कि षोडश संस्कार में से एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है, और यह संस्कार व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए, व्यक्ति के अंदर के गुणों को जागृत करने के लिए और दोषों को निर्मूल करने के लिए किए जाते हैं। तो उनमें से एक संस्कार कराने के बाद फिर जो है सकल्पम च सरहस्यम, कल्प सूत्र आदि का जो अध्ययन कराते हुए, वेदों का अध्ययन कराता हो। कल्प कहते हैं जो वेद के जो छह अंग है, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, उनमें से एक अंग हो गया। और इसके तीन भाग हैं, यह समझने जैसी बात है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र तथा स्मार्त सूत्र। और जो स्मार्त सूत्र है यह फिर दो प्रकार के होते हैं, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। और यह यज्ञों के प्रयोगों का समर्थन करने वाले शास्त्र भी कहलाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के नित्य नैमित्तिक यज्ञ, याग आदि तथा जो संस्कार आदि विषय इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वेद मंत्रों के अनुष्ठान की विधि भी बताई गई होती है। तो जो व्यक्ति शिष्य को यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात कल्प और रहस्य सहित, रहस्य का अर्थ यहां पर यह है कि वेद में निहित गंभीर जो विद्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सीधा सीधा समझ में नहीं आती, तो
उसको ऊहा और व्याख्या से ही स्पष्ट की जा सकती है। तो ऐसे जो रहस्य परक बातें हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद में सारी सत्य विद्याएं हैं और धरती पर जितने भी सत्य विद्याएं हैं सभी का मूल वेद है। वेदो किलो धर्म मूल, सभी सब कुछ वेद में निहित है। तो फिर कहा भी गया है, मनुस्मृति में एक वाक्य आता है, सर्वम वेदात प्रसिद्धति, सब कुछ वेद में है ना। तो उस रहस्य को जब जो ऊहा और व्याख्या से स्पष्ट कर देता हो, और जो कल्प यानी कि वेदोक्त यज्ञ संध्या धर्माचरण धर्म क्रियाओं आदि के अनुष्ठान की विधि एवं कलाओं का निरूपण करने वाले जो शास्त्र है उसका अध्यापन करता हो, स्वयं जो है वेद को जीता हो, यानी कि जो स्वयं वेदज्ञ हो, जिसके आचरण में भी वेद समाहित हो, जो रहस्यवेत्ता हो, जो तत्वदर्शी हो, जो ऋषियों की आज्ञा के अनुसार चलने और चलाने वाला हो, उसे आचार्य कहते हैं। ऐसे आचार्यों को आप हम सभी भी नमन करें और सभी एक साथ बोलें, आचार्य देवो भव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।